झाबुआ परियोजना इकाई क्रियान्वयन ने ईवीएम गोडाउन भवन में और बाउंड्री वाल में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि जिला मुख्यालय पर 3.52 लाख की लागत से निर्मित ईवीएम गोडाउन का है। इस ईवीएम भवन का निर्माण तो किया गया है परंतु गोडाउन की बाउंड्री वॉल कार्य पूर्ण होने के पहले ही हिलने लगी है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ईवीएम गोडाउन की बाउंड्री वॉल के संबंध में बात करने से कतरा रहे। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत हम कलेक्टर और जिला जनसंपर्क कार्यालय की अनुमति के बगैर आपको कोई जानकारी नहीं देवाएंगे। यह कहते हुए जिम्मेदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। इससे स्पष्ट है कि बाउंड्री वॉल की नींव अभी से हिल चुकी है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। मतलब बाइट देने का आपका अधिकार नहीं, अभी मेरा वीडियो चालू है, आपको बाइट देने का अधिकार नहीं है। इस बिल्डिंग की क्या लागत है आपको कोई जानकारी नहीं? वो तो बता दें। कहाँ बताए? 352 लाख की। 352 लाख की बिल्डिंग। 352 लाख की। और इसका जो बीएससी है, हाँ जी, जो वॉल बाउंड्री है इसमें तड़ लग गई अभी से, अभी तो इस बिल्डिंग का उद्घाटन तक नहीं हुआ, इस संबंध में आपका क्या कहना? अभी काम चल रहा है, उसको ड्रेनेज वहाँ से निकालना है, इसलिए वो ब्रिक वर्क है और ब्रिक वर्क तोड़ करके वहाँ से ड्रेन निकालना है। इस बिल्डिंग का पानी जो है वो सामने से फ्रंट से निकालने से वो जो कोने पर निकालेंगे उसका चैम्बर बनेगा और चैम्बर में से बाहर निकालेंगे। वो ब्रिक वर्क है हमारी बाउंड्री वाल के नीचे, उसे कटन वाला है, उसमें कोई डैमेज नहीं है। ब्रिक वर्क को तोड़ करके फिर से उसको चैम्बर बना करके बाहर निकालेंगे, क्योंकि क्योंकि रोड है, रोड पर डायरेक्ट पानी नहीं छोड़ सकते। अच्छा श्रीमान, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ही अगर दीवार गिर गई, इसका कौन जिम्मेदार? बिल्डिंग अभी बन रही है, दीवार बनने का सवाल नहीं होता। नहीं तो उसके तो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह आ चुकी है। हाँ, क्योंकि ब्रिक वर्क मेरा बॉक्स है, रेन वाटर का बॉक्स है, उसमें ट्रेक है, ब्रिक वर्क बाउंड्री वाल में नहीं है। किसकी त्रुटि मानेंगे? ब्रिक वर्क में नहीं है, ब्रिक वर्क बॉक्स है, बॉक्स को हम तोड़ करके उसमें रेन वाटर पाइप निकाल रहे हैं। वो तो रिपेयरिंग है ना, उसको तो तोड़ के फिर से पाइप निकालेंगे ना, उसमें से पाइप निकालेंगे। त्रुटि किसकी मानेंगे? पाइप निकालने की बात, अभी जब पूरा रेन वाटर निकालेंगे, ड्रेन सिस्टम निकालेंगे, तभी त्रुटि नहीं है वो। सर मेरा प्रश्न है कि वाल बाउंड्री में अभी से तड़ आई, वाल बाउंड्री में नहीं है। बता रहा हूँ कि आपको मेरा जो बॉक्स है, रेन वाटर बॉक्स है, उसमें से रेन वाटर की ड्रेनेज पानी की लाइन जाएगी, ड्रेन सिस्टम का है। बाउंड्री वाल आपको दिख रही, बाउंड्री वाल अलग है और वो बॉक्स है जो रेन वाटर का है, उसमें से हमारा ड्रेन का पानी निकलेगा बाहर बस। तो उसे तो तोड़ना ही है मुझे, तोड़ के फिर से बनाना है वो। श्रीमान, इस विभाग में आपका क्या दायित्व है और आपका क्या पद है वो बताएंगे? मैं SDO हूँ, परियोजना MD हूँ, और ये काम चल रहा है आपके सामने, इसमें से पानी बाहर निकालना है, उसके लिए वो छोड़ा गया, चैम्बर बनाना है वहाँ पे, और वही ब्रिक वर्क चैम्बर के लिए रखा गया है, बॉक्स है और इन्वर्टर का बस। क्या शुभ नाम लगाते सर आप? BP सालवे, परियोजना यंत्री, PIU झाबुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।